एचपी के लैपटॉप में फैन से रिलेटेड ही आपको बताऊंगा। अगर आप देखें इस लैपटॉप में तो स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहा है फैन का ईरर, सिस्टम फैन का मेन भी ईरर दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में या तो फैन नहीं चल रहा होगा या उसको सप्लाई नहीं मिल रही होगी, इस वजह से इस तरह का ईरर देता है। इसके लिए हमें लैपटॉप को खोल के चेक करना होगा कि वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। वैसे इस ईरर से पता चलता है कि हमारा फैन का इशू है। आइए देखते हैं। ये लैपटॉप का मॉडल नंबर है HP। AY019TO। बोर्ड से सभी कनेक्टर को इजीली हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इधर भी रिमूव करने के बाद आपके सीपीयू की हीट सिंक को खोल करके इसे बाहर निकालेंगे। फैन को निकालेंगे। हीट सिंक खोल करके यहाँ से स्विच है आपके अडैप्टर का, कीबोर्ड से जुड़ा हो निकल बोर्ड। यहाँ पे कि आपके फैन की कनेक्टिविटी यहाँ पे शो करता है नहीं करता है, ये आपका NVCs है। देखिए तो एक तरफ से ग्राउंड से कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से हम इसके पिन पे कनेक्टिविटी देखेंगे। इस पिन पे सप्लाई आती है, लगभग 5 वोल्टेज की सप्लाई आती है। अगर आपको यहाँ पे सप्लाई नहीं मिले तो आप यहाँ से एक जम्पर भी लगा सकते हैं। जम्पर लगाने से क्या होगा कि आपका फैन कंटिन्यू चलने लगेगा, और कंटिन्यू चलेगा, बंद नहीं होगा, लेकिन आपके सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो सिस्टम आपका गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, लेकिन फैन कंटिन्यूस चलेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ से यहाँ पे जम्पर लगाने के लिए हमें एक छोटा सा जम्पर वायर लेना होगा, और इस जम्पर वायर को इस ब्लेड से थोड़ा सा छीलना है।
जंपर लगाने से स्पिन के ऊपर 5 वोल्टेज इस एनपीसी से होके आ रहा है, तो आपको नियरेस्ट बाइक कोई 5 वोल्टेज की सप्लाई ट्रेस कर लेनी है और वहाँ से एक सीधा जंपर जैसे लगा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगा हुआ है, ये सप्लाई पिन है और 5 वोल्टेज आपको इस एनपीसी पे मिल रहा था, उस सप्लाई को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम फ़ैन को लगाते हैं तो सप्लाई मिल जाएगी और फ़ैन चलेगा भी। आइए देखते हैं। मिली है अभी, ये वो बना नहीं कि लुटेरे आ गए पहले। क्या हुआ इसका, ऑन करें, फैन इज रनिंग, देख रहे होंगे आप पंखा चल रहा है, लाइट्स भी, और स्क्रीन पे जो ईयर आ रहा था यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ईयर आ रहा था वो ईयर भी खत्म हो चुका है ना, आपका सिस्टम डायरेक्टली बूट कर गया। वैसे फैन अगर नहीं चलता है तो यहाँ पे ईयर देता है और यहाँ पे फैन क्या है पूरा बूट कर गया, तो हम लोगों ने प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर लिया और अभी फैन का इश्यूज़ ख़त्म है इस लैपटॉप में, ये आराम से आपका चलेगा। तो इस तरह से जब भी कभी प्रॉब्लम हो आपको सीपीयू फैन में नहीं चले, सप्लाई की इश्यूज़ है, तो आपको नियर बाई कोई एनपीसी सर्च करनी है जहाँ पे 5 वोल्टेज मिले और वहाँ से एक जंपर उठा के आपको रेड वायर, ये वायर दिख रही ना रेड वाली, ये रेड वायर इसी वायर के साथ में आपको कनेक्ट कर देना है जैसे यहाँ से मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है। ओके थैंक यू, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद।